हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एग्जाम आइडिया के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे यूनिट 6 के, डेट इज़ रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने नेक्स्ट यूनिट, डेट इज़ यूनिट नंबर 7, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, जिसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है हमने डिस्कस नहीं किए थे। और यूनिट जो है वो मैंने आपको एक वन शॉर्ट वीडियो भी दे रखी है, जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, तो जिसने नहीं पढ़ी है वो वीडियो वहाँ से देख सकते हो। एग्जाम आइडिया में ये आपका चैप्टर नंबर 11 है, सो लेट अस स्टार्ट ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, कंसेप्ट ऑफ फोटोन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हर्ज ऑब्जर्वेशन, लियोनार्ड्स ऑब्जर्वेशन, हॉलविच एक्सपेरिमेंट। ये देखो हॉलविच एक्सपेरिमेंट जो है यहाँ पर थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन है, अगर फिगर किसी को देखनी है तो आप यहाँ से देख सकते हो, बाकी ये सब तो सेम है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सारे ग्राफ मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं अच्छे से, फ्रिक्वेंसी के साथ भी। वेव फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, देन डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डेविशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट आपका इस बार सिलेबस में नहीं है, 2022 एंड 23 सिलेबस में ये नहीं है, सिर्फ एक यही टॉपिक जो है आपका डिलीटेड है इस यूनिट से, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, बट इसका फॉर्मूला जो है वो तो आपका है सिलेबस में, तो न्यूमेरिकल आप करोगे इससे रिलेटेड, बट थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं करोगे। तो देखते हैं इससे प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस जो आए हुए हैं। ये देखिए, वेवलेंथ ऑफ लाइट फ्रॉम द स्पेक्ट्रल एमिशन लाइट, वेवलेंथ आपको गिवन है, काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछी है इलेक्ट्रॉन के लिए और न्यूट्रॉन के लिए, डी ब्रोगली वेवलेंथ दोनों की सेम है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ अगर आ जाए आपके पास तो वहां पर तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला आता है, एच बाई पी, ये आपने पढ़ा है, या फिर आप ये बोल सकते हैं एच बाई एम सी या एम वी आपने डिराइव किया है। ये क्या होता है, मोमेंटम ही तो होता है यहाँ पर वी आने के बाद, तो ये वाला रिलेशन आपने डिराइव किया। पी क्यों लिखा आपकी बार, क्योंकि आपको काइनेटिक एनर्जी गिवन है, यहाँ पर फाइंड आउट करनी है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन होता है वो कैसे आपने निकाला था, 11th क्लास में आपने पढ़ा था कि पी जो होता है पी स्क्वायर वो आता है 2m इंटू में काइनेटिक एनर्जी, ये रिलेशन सबने पढ़ा है। तो यहाँ से आप पी की वैल्यू क्या बोल सकते हो, अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, यही है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो इस रिलेशन से, देखो इसने काइनेटिक एनर्जी को जो है ई के से डिनोट किया, ये इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। यहाँ से अगर आप रूट में नहीं सोल्व करना चाहते तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लो, स्क्वायर रूट हट जाएगा, आपके पास ई के की वैल्यू क्या बन जाएगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा वो ये बन जाएगा, ई के को आप काइनेटिक एनर्जी से लिखो, ये फॉर्मूला बन जाएगा। आपके पास वेवलेंथ की वैल्यू गिवन है, मास इलेक्ट्रॉन का आपको पता है, इलेक्ट्रॉन के लिए निकालोगे तो 9.1 × 10⁻³⁻¹। एच की वैल्यू क्या होती है, प्लैंक्स कांस्टेंट, 6.6 × 10⁻³⁴, वैल्यू आप पुट करो और सोल्व करो। न्यूट्रॉन के लिए क्या चेंज होगा, सिर्फ यहाँ पर न्यूट्रॉन का मास आएगा, न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, 1.67 × 10⁻²⁷। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये न्यूमेरिकल इजिली सोल्व हो सकता है। नेक्स्ट देखो, एन इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन, वेवलेंथ आपको गिवन है, उनका मोमेंटम आपसे पूछा है, एनर्जी पूछी है, देन काइनेटिक एनर्जी पूछी है। तो वेवलेंथ आपको गिवन है, मोमेंटम आप इजीली निकाल सकते हो डी ब्रोगली फॉर्मूले से, लैम्डा क्या होता है, एच बाई पी होता है, यहाँ से मोमेंटम पूछा है तो एच की वैल्यू आपको पता है, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, वेवलेंथ दे दी, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। एनर्जी निकालनी है, एनर्जी क्या होती है, ई इज इक्वल टू एच न्यू होती है, न्यू को क्या लिख सकते हो, सी बाई लैम्डा, लैम्डा भी आपने देखा कि लैम्डा तो आपको गिवन है 1.0 × 10⁻³ में, तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू पुट कर सकते हो, सी जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट होती है, तो ये भी आप वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर आपको ऐसे नहीं करना सोल्व तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो इज इक्वल टू पी सी, अगर किसी को ये फॉर्मूला नहीं पता तो आप जो है रिलेटिविटी की थ्योरी है आगे आप पढ़ोगे वहाँ से, तो ये तो इस तरह से कर सकते हो आप इसको, यहाँ पर एच की वैल्यू रखो, सी की रखो, लैम्डा की रखो, या फिर डायरेक्ट पी सी भी रख सकते हो इसको, ठीक है। पी सी वैल्यू इसने तो डिराइव ही कर दिया, एच वाई लैम्डा क्या होता है, मोमेंटम होता है पी इंटू में सी, तो पी की वैल्यू आपने ऊपर निकाल रखी थी, ये यहाँ से हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपके पास काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी तो अभी आपको बताया मैंने ऊपर फॉर्मूला, उसी तरह से निकल जाएगी, ठीक है, या हाफ एम वी स्क्वायर कर लो या फिर पी स्क्वायर बाई टू एम ई कर लो सीधा, पी की वैल्यू अभी आपने निकाली, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है, ये अभी मैंने आपको रिलेशन बताया ना क्या होता है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × m इंटू काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी स्क्वायर बाई 2m इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, यही है फॉर्मूला, ई इसलिए लिखा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास है, हो जाएगा ये न्यूमेरिकल। नेक्स्ट देखो, एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूजेस इलेक्ट्रॉन्स, देखो ये क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में, वोल्टेज आपको गिवन होगी और यहाँ पर आपसे वेवलेंथ पूछी जाएगी,
सिर्फ इतना क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ आप बताओ कैसे निकालोगे। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉन के लिए, ये याद होना चाहिए आपको, क्या है, लैम्डा इज इक्वल्स टू 12.27 डिवाइडेड बाई अंडर रूट वी इंटू 10^-10 मीटर। ये इसको आप ये ना लिख के एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हो सीधा, 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10^-10 मीटर होता है, ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है वीडियो के अंदर। तो यहाँ से आप लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हो, आगे वाला आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, रिजोल्विंग पावर जो है वो कट चुका है 6th यूनिट से, तो इसीलिए आपको अब यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है, ये फॉर्मूला आपका नहीं है सिलेबस में, ठीक है। नेक्स्ट देखो 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। फिनोमिनन बताओ जो क्वांटम नेचर को एक्सप्लेन करता है, तो कौन सा नेचर है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही पढ़ा आपने और कोई पढ़ा ही नहीं है। नेक्स्ट है इंटेंसिटी क्या होता है और SI यूनिट बताओ, इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, कितनी लाइट आपके पास इंसिडेंट हुई है पर स्क्वायर मीटर, एक स्क्वायर मीटर पे मतलब 1 मीटर एरिया पे 1 सेकेंड में कितनी लाइट आपकी फॉल होती है, वही इंटेंसिटी होती है, ठीक है, डेफिनेशन याद होनी चाहिए। और इसकी SI यूनिट क्या होती है, वो होती है वोट पर मीटर स्क्वायर, यानी कि पावर बाय मीटर स्क्वायर कितने एरिया पे, क्योंकि पावर क्या होता है आपके पास, वर्क डन बाय टाइम होता है, तो वहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो पावर बाय टाइम क्या होता है, वर्क डन होता है, तो वर्क डन बाय मीटर स्क्वायर भी कर सकते हो, या फिर ये जूल पर सेकंड होता है, ठीक है। तो पावर क्या होता है, पावर से भी आप डायरेक्ट इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, नहीं तो आप इसको जूल की फॉर्म में कर सकते हो, जूल पर सेकेंड इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। इंटेंसिटी होती है आपके पास कितनी लाइट आपकी फॉल हुई है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में, तो वैसे ये वाली यूनिट जो है ये वाली अच्छी रहेगी आपके पास, इसको फॉलो करो, वर्क डन बाय टाइम होगा नीचे, टाइम इसने, अच्छा ये इसने एक्सप्लेन कर दिया, वोट ले लिया, इसको वर्क डन नहीं है ये वोट है, तो पावर होता है ना वर्क डन बाय टाइम, ठीक है, ये वोट है, इसको ध्यान रखना, ये कन्फ्यूज मत होना, वोट है, पावर की यूनिट है, या तो पावर की यूनिट में लिखो इसको या फिर जूल पर सेकेंड लिखो वर्क डन की यूनिट में। नेक्स्ट आपके पास फिगर बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ दे रखा है, 2 फोटोसेंसिटिव मटेरियल है, आप ये बताओ किसकी वेवलेंथ जो है थ्रेशोल्ड कम होगी। अब आपको पता है कि लैम्डा क्या होता है, सी बाय न्यू होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो आपके पास जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी कम होगी, इसने वेवलेंथ पूछा है मुझसे, तो फ्रीक्वेंसी जिसकी कम होगी उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। आपके पास यहाँ पर देखो क्यू है, क्यू की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम है, तो आपके पास स्मॉलर पूछी है, यानी कि वेवलेंथ क्या होनी चाहिए उसकी, कम होनी चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए, वो किसकी है, क्यू की, क्योंकि देखो फ्रीक्वेंसी क्या ज़्यादा है और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इसीलिए क्या हो जाएगा उसका रिवर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब यहाँ से ना इस चीज़ में ये देखो डायरेक्ट भी आप पता लगा सकते हो कि ये 0.1 इसने दे भी रखी है और ये 1 है, नहीं तो आप ये देख सकते हो पहला पॉइंट है तो ये कम डिस्टेंस पे आया होगा, ये ज़्यादा पे आया होगा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, यानी कि वेवलेंथ ऑटोमेटिकली कम होगी। नेक्स्ट राइट द बेसिक फीचर्स बताओ फोटोन की, यानी कि फोटोन की आपको बेसिक फीचर का मतलब क्या, इसने फोटोन की प्रॉपर्टी पूछी है आपसे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फोटोन, ये मैंने आपको टॉपिक करवाया है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फोटोन, कोई भी प्रॉपर्टीज़ आप बता सकते हो, ठीक है। और इसने ये बोला है ऑन विच आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बेस्ड, जिस पे बेस्ड है, तो ये वाला पॉइंट तो ज़रूर देना, एक न्यूमेरिकल टाइप आपको इक्वेशन ज़रूर देनी चाहिए, मैंने पॉइंट आपको बता रखा है कि एनर्जी इतनी होती है, मोमेंटम इतना होता है, ये जो भी प्रॉपर्टीज़ आप 3-4 लिख देना। नेक्स्ट है स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन है, देखो कितनी बार पूछी गई, 2011 में आई है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये भी डेफिनेशन मैंने आपको बताई, 11-19 में आई है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बताओ फोटो करंट जो है वो इंक्रीज़ होता है इंटेंसिटी के बढ़ाने से, क्यों होता है, तो ये आपके पास इसलिए इंक्रीज़ होता है, ज़्यादा इंटेंसिटी आप डालते हैं तो लार्जर इज़ द नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन, फोटोन का नंबर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड की साइड जाते हैं, आप एनोड की साइड जाते हैं आपके पास, और एनोड की साइड अट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं तो फोटो करंट ज़्यादा होता है। जब भी इंटेंसिटी की बात आए, इंटेंसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट, कितने एरिया में कितने 1 सेकेंड के अंदर एटम्स गिरे हैं, या फिर फोटोन्स बोल सकते हो आप, फोटोन्स कितने फोटोन्स आए हैं, अगर आपके पास इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो इसका मतलब ज़्यादा फोटोन आ रहे हैं, ज़्यादा फोटोन आ रहे हैं तो फोटो करंट एक्सप्लेन होगा, यानी कि नंबर बढ़ गया उनका, ठीक है, नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन्स, नंबर बढ़ गया इंसिडेंट फोटोन्स का, क्लियर। एक्सप्रेशन बताओ डी ब्रोगली वेवलेंथ का, क्यू जो है चार्ज दे रखा है, एम जो है मास दे रखा है, एक्सेलरेशन पोटेंशियल दे रखा है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का रिलेशन ये होता है। लैम्डा क्या होता है, एच बाई पी, अगर आपके पास पी की वैल्यू जो है इसकी फॉर्म में है, पोटेंशियल में है, और ये है
तो आप इसको लिख सकते हो 2m इनटू क्या था, काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैंने बताया था e इनटू v भी होता था, e की जगह इसने चार्ज दिया q, तो ये मैं बोल सकती हूँ 2m इनटू q भी हो जाएगा फॉर्मूला, क्लियर। तो ये आपके पास हो गया डी ब्रोगली वेवलेंथ का, क्लियर। इसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सीधा ही एक्सप्लेन हो रहा है फॉर्मूला। नेक्स्ट डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या कहता है, डी ब्रोगली की डेफिनेशन बताओ कि सभी के साथ मटेरियल वेव एसोसिएट होती है, अपने वाले लिखना है, इसकी नहीं लिखनी है, और सीधा फॉर्मूला बताओ। नेक्स्ट ये बोलता है कि फिगर शोज अ प्लॉट, एक प्लॉट दिखा रखा है इसने, थ्री जो है कर्व्स है ए बी सी के लिए, शोइंग द वेरिएशन, फोटो करंट बता रहा है किसके साथ में, कलेक्टर प्लेट, कलेक्टर प्लेट मतलब फोटो जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, एक यहाँ पर प्लेट थी, एक यहाँ पर प्लेट थी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आके अट्रैक्ट हो रहे थे, यानी कि पॉजिटिव वाली प्लेट, इस वाली प्लेट पे जो है कलेक्टर प्लेट है, इस पे आपको जो है करंट मिल रहा है फोटो करंट, वो करंट और इस प्लेट का जो पोटेंशियल है उसको जो है आपने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, अलग अलग इंटेंसिटी है, अलग अलग उनकी फ्रीक्वेंसी है, तो वो कर्व बताओ जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी लेकिन इंटेंसिटी क्या है डिफरेंट होगी। ये तो आपको खुद भी पता लग रहा है, यहाँ पे ए और बी जो है इन्हीं की सेम फ्रीक्वेंसी है, देखो यहाँ पर इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, एक ही पॉइंट पे कट हो रहे हैं तो इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, इंटेंसिटी क्या इनकी डिफरेंट है, कन्फ्यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पर प्लेट का पोटेंशियल दे रखा है, पोटेंशियल सेम है तो वो जो फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली सेम हो गई वो तो। नेक्स्ट है स्टॉपिंग पोटेंशियल आपके पास जो है दे रखा है इतना, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बताओ, ये सीधा लिखो के मैक्सिमम क्या होता है, ई इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, याद रखना इस फॉर्मूले को, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछी जाए तो ई इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, वी नोट से रिप्रेजेंट करना आप, वी एस से नहीं, अगर पेपर में आ जाए तो वी एस से लिख लेना। 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया ये, अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फॉर्मूला भी याद रखना, 1.6 इंटू 10^-19 जूल होता है, ये आपको याद होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, 1.6 इंटू 10^-19 जूल, ठीक है। ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है और ये जूल में आता है, ना कि आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में छोड़ोगे, आंसर कहोगे आपका तो मैच ही नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्मूला जो होता है जूल में, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आपकी एनर्जी, एनर्जी की फॉर्म जो है जूल वर्क डन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सेम क्वेश्चन है, ठीक है, निकाल लोगे इसी तरह से। नेक्स्ट है स्टॉपिंग पोटेंशियल इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा, फिर से देखो कितनी बार ये क्वेश्चन आया है, सिर्फ एक फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है आपके पास, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पूछी जाए तो ई इंटू वी नोट, ठीक है, वी नोट स्टॉपिंग पोटेंशियल जिसकी यूनिट वोल्ट होगी और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, फिर इससे मल्टीप्लाई कर देना बस उसको, 1.6 इंटू 10^-19। नेक्स्ट भी बिल्कुल सेम है, ये देखो द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के साथ दे रखा है, विच वन ऑफ द हायर वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन, किसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा, वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है एच न्यू नोट, यानी कि फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है डिपेंडेंट होता है आपका, तो वर्क फंक्शन यहाँ पर देखो किसका ज़्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है, यहाँ पे ए मेटल है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है ज़्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है कम है। अब आपके पास जो है वर्क फंक्शन जिसकी थ्रेशोल्ड, ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, कितने के बाद जो है वो ग्राफ आगे ओमिट करेगा, ये फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट रेडिएशन की, कि आपने जो इंसिडेंट की है वो है, और इसकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये वाली फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, ये वाली फ्रीक्वेंसी कम है, तो इसका जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मेटल ए जो है इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इसका वर्क फंक्शन ऑटोमेटिकली क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ से ही निकाल सकते हो कि वर्क फंक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ए की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है तो वर्क फंक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, सीधा आप इसी से कर लो, इस पर इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है उनकी सेम काइनेटिक एनर्जी है, तो ये बताओ डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होगी वो कितनी होगी और क्यों होगी, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ जो है वो किसकी ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ ज़्यादा होगी, वो ऐसे निकाल सकते हैं लैम्डा, ये वाला फॉर्मूला तो अब मैंने आपको बता ही दिया, काइनेटिक एनर्जी आएगी यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी इसने बोल दिया सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, प्लैंक्स कांस्टेंट दोनों के लिए सेम है, टू फैक्टर सेम है, तो यानी कि सिर्फ मास पर डिपेंड करेगी और ऊपर रूट है, तो जिसका मास जो होगा ज़्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, और वेवलेंथ क्या हो जाएगी उसकी, ज़्यादा हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, कम होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10^-31 और प्रोटॉन का होता है 1.6 × 10^-27, तो ये देखो माइनस में 27 पावर, ये -31 है, ये पावर कितनी कम है और ये डिनोमिनेटर में है, तो ये कम है तो वेवलेंथ ऑटोमेटिकली इसकी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। ये 2012 का मेरे टाइम का क्वेश्चन है, ये मैंने सोल्व किया था। नेक्स्ट देखो शोज द वेरिएशन, फोटो करंट की वेरिएशन है कलेक्टर प्लेट के साथ सेम इंटेंसिटी के साथ में, इसने पूछा हमसे कि ये वाला आप एक्सप्लेन करो, ग्राफ बनाओ, तो फोटो करंट यहाँ पर आ गया,
कलेक्टर प्लेट है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए लेकिन इंटेंसिटी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर इंटेंसिटी आ जाएगी आपकी सेम, फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो गई, तो ये देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सबके लिए क्या हो गई, अलग अलग हो गई। ये वाला अपने अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रॉ करना। नेक्स्ट है, फिर से इसने ग्राफ पूछा है फोटो करंट में, और एनोड पोटेंशियल बोले या कलेक्टर प्लेट बोले, बात सेम है। किसके लिए बोला, अलग अलग इंटेंसिटी होनी चाहिए आपके पास, तो अलग अलग इंटेंसिटी के लिए आपने इसमें ड्रॉ कर दिया कलेक्टर प्लेट का। ये प्लेट का पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा। अब ये कहता है कि अगर पोटेंशियल जो है डबल कर दे तो डी ब्रोगली वेवलेंथ कैसे चेंज होगी। आपको पता है अगर पोटेंशियल डबल हो गया तो सीधा यही ना है फॉर्मूला, आपको सीधा यहाँ से भी कर सकते हैं 12.27/√V, जहाँ पर खाली पोटेंशियल का रोल आ जाए तो सीधा ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। इसको सोल्व करके वैल्यू पुट किया है तो सीधा 12.27 आया, इसको ना भी याद रखो तो। अगर ये चीज़ डबल होगी तो इसका मतलब क्या है, 12.27/√V पहले थी और ये √2 जो है अलग से आ गया, तो इसका मतलब क्या है, √2 डिवाइड में आया तो कम हो जाएगी, 1/√2 टाइम्स डिक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट है, फिर से आपको ग्राफ ड्रॉ करना है इंटेंसिटी का, वो आप ड्रॉ कर सकते हो। प्लॉट अ ग्राफ, फिर से ग्राफ ड्रॉ करना है आपको फ्रीक्वेंसी के लिए। अब की बार ये बोलता है कि दो की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो ये क्वेश्चन जो पीछे आया था वो उल्टा पूछा गया आपसे। आइंस्टाइन इक्वेशन जो है, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कर्व ऑन द बेसिस ऑफ आइंस्टाइन इक्वेशन। आइंस्टाइन इक्वेशन के बेसिस पे आप इस कर्व को एक्सप्लेन कर सकते हो कि I1 और I2 जो है ये वाले √2 और √3, यहाँ पर I1 और I2 है, इनकी जो है फ्रीक्वेंसी सेम है, √2 और √3 आई है, और सैचुरेशन करंट जो है वो सबसे ज़्यादा किस में, I1 में, ऊपर वाले में। सैचुरेशन करंट का मतलब मैक्सिमम करंट, ये यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम करंट इसमें इतना है। ठीक है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपको पता होना चाहिए। ये आपके पास देखो क्या कहा इसने, डी ब्रोगली वेवलेंथ है एसोसिएटेड विद स्क्वायर रूट ऑफ वी, वी के साथ में ग्राफ बनाओ। ये ग्राफ अब आपको पता होना चाहिए, ऐसा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके साथ। वैसे अभी जो है पेपर में आपका नहीं है क्योंकि ये डेविशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट का पार्ट था, बट फिर भी यहाँ से देख सकते हैं लैम्डा और जो है वी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका ग्राफ हमेशा कर्व आएगा। वैसे पूरा बनाओ तो हाइपरबोला बन जाता है। ठीक है, ये आपको नहीं करने हैं, ये भी नहीं करने। देखो राइट आइंस्टाइन इक्वेशन, आइंस्टाइन इक्वेशन निकालो और उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ बताओ, दो फोटोन्स की प्रॉपर्टी, कोई भी फोटोन की प्रॉपर्टी अपनी मर्जी से लिख दो, इससे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यही होती है ना, निकलवाई थी मैंने। राइट थ्री कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिखनी है आपको किसकी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तीन फीचर्स बताओ वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो कि आइंस्टाइन इक्वेशन नहीं एक्सप्लेन कर पाया था। अब नहीं आएगा ये क्वेश्चन क्योंकि ये जो है वेव थ्योरी आपका डेविशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट है वो कट चुका है। बाकी यहाँ से देख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंट देखिए आपने इंटेंसिटी के, इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं देखा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से, तो फोटो जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसके तीन लॉज आप बता सकते हो। यहाँ पे लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आएगा, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसने तीन पूछे वैसे आपको चार एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन है, सेम वेलोसिटी है, डी ब्रोगली वेवलेंथ बताओ किसकी ज़्यादा होगी, सेम क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी के, 1/2 mv² होती है, यानी कि वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जिसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। सेम क्वेश्चन है जो पीछे किया था आपने। ठीक है, देखो ये सारे 2012 के क्वेश्चन ऐसे ऐसे आए थे मेरे पेपर में। What is meant by work function of metal? Work function से क्या समझते हो आप? How does the value of work function influence the kinetic energy of electrons liberated during photoelectric emission? Work function क्या होता है और उससे आप क्या समझते हो कि kinetic energy क्या होगी? जिसका work function कम होगा उसकी kinetic energy ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि work function कम होगा तो जितनी energy आपने दी है उसकी बची हुई energy उसको kinetic energy provide करेगी। मोनोक्रोमेटिक लाइट है, फ्रीक्वेंसी आपको पता है, पावर जो है आपको दे दिया, फोटोन बताओ कितने एमिट हो रहे हैं पर सेकेंड। पावर क्या होती है आपके पास, एनर्जी बाय टाइम होती है, यानी कि वर्क डन बाय टाइम, और वर्क डन क्या होता है, एनर्जी होता ही है। तो यहाँ पर एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, वैसे एच न्यू होता है, अगर नंबर ऑफ फोटोन की बात आ जाए तो एन से क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, केमिस्ट्री का टॉपिक है। नीचे क्या होगा, टाइम। अब नंबर ऑफ फोटोन स्मॉल एन बाई टी को अगर आप कैपिटल एन मान लो, टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स की एक सेकंड में कितने एमिट हो रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकंड में, अगर इसे कैपिटल एन मान लो तो कैपिटल एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी बाई एच न्यू। एच की वैल्यू पता है, पी की वैल्यू आपको पता है, न्यू की वैल्यू उसने दे दी है, तो इतने फोटोन्स पर सेकेंड एमिट हो रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। ग्राफ को प्लॉट करना है आपको, वर्क फंक्शन दे रखा है दो का, विच ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन वेवलेंथ ये दे रखी है, किस में से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा, अगर आपके पास दोनों लेजर बीम को क्लोज कर दो तब क्या होगा। तो एनर्जी फोटोन की इतनी होती है एच न्यू, न्यू की वैल्यू सी बाई लैम्डा होगी, सी बाई लैम्डा आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगर इसे इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दूँ, या इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई मत करो, जूल जो होता है
अगर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मैं लिखना चाहूँ तो आप यहाँ पर लिख सकते हो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर भी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखने के लिए आपने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो, एक इलेक्ट्रॉन से क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो। नहीं तो ये वाला क्वेश्चन जो है आपका, इस तरह के क्वेश्चन आने के कोई चांसेस नहीं है, इसको आप छोड़ दो, अब नहीं आएगा ये, क्योंकि डेविशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट आपको पता होना चाहिए, इसके लिए वेव नेचर वहाँ से एक्सप्लेन होता है। नेक्स्ट है द गिवन ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये वाला आपको दे रखा कि करंट की डेविएशन है डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटीज़ के लिए, तो आप यहाँ से ये बताओ, वन और टू जो है सेम इंटेंसिटी आपको पता लग रही है, इसकी इंटेंसिटी क्या सेम है लेकिन मटेरियल क्या है डिफरेंट है, थ्री और फोर इनकी भी इंटेंसिटी क्या सेम है लेकिन मटेरियल क्या है डिफरेंट है, तो इसीलिए सैचुरेशन करंट जो होगा वो सेम होगा, इसके लिए सेम होगा थ्री और फोर के लिए, वन और टू के लिए सेम होगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल इसका जो होगा थ्री का ये होगा, फोर का ये होगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा था, ये वाला भी बताया मैंने आपको, उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो ये आप कर सकते हो कि वर्क फंक्शन किसका ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, सीधा आप सोल्व करो 12.27 से करो, जिसमें वी दे रखा हो और वेवलेंथ पूछी हो ना लैम्डा, तो ये इतना बड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा ये वाला फॉर्मूला लगाओ, वी की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। बस वहाँ पर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात ना हो रही हो तब आप यहाँ पर लगा सकते हो ये, क्योंकि मास बदल जाएगा, अब तो इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन की बात है ये, इलेक्ट्रॉन पूछा है तो सीधा ये लगाओ इलेक्ट्रॉन के केस में, फॉर इलेक्ट्रॉन ओनली, ठीक है। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ दे दिया, इज इंसिडेंट ऑन फोटो सेंसिटिव सर्फेस पे, नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन है जिसका, अगर फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं फ्रॉम द सर्फेस डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो प्रूव करना आपको ये कैसे प्रूव करोगे, एनर्जी आपको पता है इज इक्वल टू एच न्यू बाय लैम्डा होती है, न्यू को सी बाय लैम्डा लिख सकते हो, डी ब्रोगली वेवलेंथ अभी बताई थी ये वाली रिलेशन, ये काइनेटिक एनर्जी मानो इसको, यहाँ पर आप इसको जो है कैसे लिखोगे, इस वाली इक्वेशन को आप लिखो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय टू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी, ये लिखो, इसका स्क्वायर रूट कर लो, स्क्वायर रूट करने का मतलब क्या है, एच स्क्वायर टू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी का भी जो है स्क्वायर रूट है, तो रूट हट जाएगा, ये आ गया। अब इस वाली वैल्यू में आप क्या करो, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को पुट कर दो, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या थी, एच सी बाई लैम्डा, यहाँ पर पुट कर दी, एक एच से एक एच कैंसिल हो गया, तो लैम्डा इसके इक्वल हो गया, यानी कि जो वेवलेंथ आपके पास थी, इसने कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ जो है लैम्डा वन थी, वो इंसिडेंट किया आपने, तो लैम्डा वन इंसिडेंट किया, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा वन होगी, आपकी बार इसने लैम्डा वन से डिनोट किया तो आप लैम्डा वन से डिनोट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट, अल्फा पार्टिकल है, प्रोटोन है, सेम काइनेटिक एनर्जी है, ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो मैंने करवाया था अभी, उसमें बस मास का ध्यान रखना है, अल्फा पार्टिकल का मास 4 times होता है प्रोटोन के, और चार्ज जो होता है इसका 2 times होता है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी है प्रतीक में, तो रेडियस आपको निकालनी है, ये क्वेश्चन आपको नहीं करना। नेक्स्ट देखो, फोटोन और प्रोटोन दे रखा है, सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ है, प्रूव करो कि एनर्जी इतने टाइम्स होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटोन, एनर्जी फिर से वही वेवलेंथ यही होती है, वी ये जो है एच बाई पी होता है, पी की वैल्यू एम इंटू वी, अगर लाइट होती तो एम सी हो जाता, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है, यहाँ पर पुट कर दो एम वी की जगह पे, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ई के से मत डिनोट करो इसे, काइनेटिक एनर्जी को के ई से ही डिनोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाइट ऑफ वेवलेंथ दे रखा है, इंसिडेंट कर रहा है मेटल पे, गिवन बिलो विच वन ऑफ द, कौन सा जो है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन देगा और क्यों देगा, वेवलेंथ इतनी है तो पहले आप ये निकाल लो उस वेवलेंथ से एनर्जी कितनी चाहिए, अगर वेवलेंथ पता है तो एच न्यू की जगह एच सी बाय लैम्डा, क्योंकि सी की वैल्यू आपको पता है, एच की पता है, लैम्डा की पता है, तो एनर्जी 3 electron volt, यानी कि जिसका भी आपके पास जिस मेटल का वेव फंक्शन जो है 3 से ज़्यादा होगा वो जो है आपको लाइट को एमिट करेगा, तो कौन कौन एमिट करेगा यहाँ पर, इसने ये पूछा आपसे इंसिडेंट किया, विच वन विल शो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, तो कौन देगा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ये एनर्जी आपके पास इंसिडेंट की एनर्जी ये है, इंसिडेंट की एनर्जी है मतलब इतनी एनर्जी का आपने जो है फॉल किया है फोटोन, तो यानी कि इससे कम एनर्जी होनी चाहिए आपके पास, इससे कम जिसका वर्क फंक्शन होगा वो एमिट करेगा, इसका वर्क फंक्शन कम है बाकी उसको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, इसका कम है 3 से इनको नहीं होगा क्योंकि इनको एनर्जी खुद ही ज़्यादा चाहिए और हमारे पास जो है देने के लिए वो 3 है सिर्फ, ठीक है। 3 marks क्वेश्चन देखो कितनी बार आया है, रीज़न बताओ वेव थ्योरी जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाई फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को, तो वेव थ्योरी से आपके पास यहाँ पर सिंपली लिखना है वो लिनार्ड्स की एक्सप्लेनेशन लिखो, हर्ट्ज की लिखो, ये सारी आपको एक्सप्लेनेशन लिखनी है अपनी फॉर्म में, ठीक है। ये 2013 में भी आया, 14 में भी आया है, ये सारी आपको वेव थ्योरी का वही देना है जो मैंने एक्सपेरिमेंटल आपको पार्ट बताया है। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को डिराइव करो, और ये वाला क्वेश्चन आपने पहले कर लिया है वो है, ठीक है। नेक्स्ट, आपके पास फोटोन ये इक्वेशन डिराइव करनी है, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, वो आप डिराइव कर सकते हो।
नेक्स्ट में आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ वाली वैल्यू बतानी है और लेस एनर्जी जस्टिफाई अल्फा पार्टिकल के लिए ऊपर आप कर चुके हो, इसको यहाँ से आप कर लेना। कट ऑफ वोल्टेज क्या होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो हर एक चैप्टर में। आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक के बाद आपको ग्राफ बनाना, देखो यहाँ भी ग्राफ पूछ लिया इसने कट ऑफ में और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में, तो ये ग्राफ बना लेना, आप खुद मैंने बनवाया है। इसमें फिर से ग्राफ पूछा इसने और आपके पास वर्क फंक्शन, ये भी मैंने बनवाया है। ये वाला ग्राफ भी जो है दो मटेरियल के लिए है, तो ये आपको अभी याद होना चाहिए कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का इस तरह बनेगा दो मटेरियल के लिए। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है यहाँ पर, देखो इसमें सेम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, तो इसमें किसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ ज़्यादा होगी, फिर से मास पर डिपेंड करेगी। ठीक है, वही जो क्वेश्चन मैंने अभी अल्फा पार्टिकल के लिए बताया था। क्या सेम काइनेटिक एनर्जी होती है, नहीं सभी की सेम नहीं होती, क्योंकि सभी का वर्क फंक्शन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन जो है वो बाउंड होंगे अलग अलग फोर्सेस से होंगे और टाइटली बाउंड होंगे, तो उनकी कम एनर्जी होगी, उन्हें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए कभी सेम नहीं होती। क्या काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पर नहीं करती, क्योंकि आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। डिपेंड ऑन डज द काइनेटिक एमिटेड इलेक्ट्रॉन, नहीं एमिटेड वाले की डिपेंड नहीं करती, सिर्फ उस पर डिपेंड करती है वर्क फंक्शन पे, कि वर्क फंक्शन कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, लेकिन उनकी इंटेंसिटी कितनी होगी वो डिपेंड नहीं करती। नंबर ऑफ एमिटेड फोटोन जो है वो किस पर डिपेंड करते हैं, वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करते हैं। ये वाला फैक्टर इंपॉर्टेंट है, इंटेंसिटी पर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट है डी ब्रोगली वेवलेंथ, ये सीधा आपको प्रूव करना है, ये डेरिवेशन आप कर सकते हो, नहीं हो तो आप पूछ सकते हो। ये देखो 2017 में आया, 2010 में आया, फिर से क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है कि सेम पोटेंशियल अल्फा और प्रोटॉन का, ऊपर भी कितनी बार आया, यहाँ भी आया। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना, एम अल्फा मान लो, क्यू अल्फा मान लो, प्रोटॉन है अल्फा पार्टिकल, रेशो बताओ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल का क्या होगा, स्पीड्स का रेशो क्या होगा, ये भी आप कर सकते हो। सिर्फ इक्वेशन वही लग रही है, डेरिवेशन आप करके देखना, नहीं हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। अल्फा अल्फा के लिए, प्रोटॉन के लिए पी मान लो, सेम नीचे वाला क्वेश्चन है। ब्रीफली एक्सप्लेन करो, ये नहीं करना आपको, डिवीजन एंड जर्मर कट चुका है। इंटेंसिटी क्या होता है, फिर से डेफिनेशन पूछिए इसने, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ अब नहीं आएगा, ये हाइड्रोजन एटम का 8th यूनिट का क्वेश्चन है, ये भी आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट इंटेंसिटी है डेफिनेशन की, तो इसको इतना ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको अपनी फॉर्म से आप कर सकते हैं, वर्क डन प्लस काइनेटिक एनर्जी जो उसे प्रोवाइड करेगा, वर्क फंक्शन है ये, तो एक बार ट्राई कर लेना इसको, आप कर सकते हो, ये ट्राई कर लेना, वर्क फंक्शन प्लस जो भी काइनेटिक एनर्जी उसे प्रोवाइड करता है। ये न्यूमेरिकल मैंने आपको बताया अलग अलग मैटर का है, फिर से सेम अलग अलग मेटल के लिए है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसे ट्राई ज़रूर करना, ये आपको नहीं करने हैं। 5 मार्क्स में देखो कभी कोई क्वेश्चन नहीं बनता इससे, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आए तो आए, लेकिन 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस यूनिट से नहीं आता है, 3 मार्क्स का लास्ट होता है ग्राफ से। 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन बनेगा तो आइंस्टाइन इक्वेशन, ये कुछ नहीं है, 5 मार्क्स का नहीं आएगा, 3 मार्क्स का होगा। देखो 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं है, डिवीजन एंड जर्मर आता था, वो अब आपका सिलेबस से हट चुका है, तो ये भी नहीं आएगा आपकी बार, बस खत्म। 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं है। होप यू ऑल लाइक द वीडियो, अगर कोई भी डाउट है आपका तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे डाउट जो है मेंशन कर सकते हो, आई विल क्लियर योर डाउट। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।